महकुमा आब्रासानी एंड ड्रेनेज बोर्ड गुलबर्गा के 350 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने पिछले 6 माह से तनख्वाह अदा न किए जाने के खिलाफ पिछले 3 दिन से महकुमा आब्रासानी एंड ड्रेनेज बोर्ड के डिविजनल ऑफिस के रूबरू गैर मायना मुद्दत के लिए एहतजाजी धरना शुरू किया था। ये धरना आज शाम 4 बजे वापस लिया गया। हुकूमत कर्नाटक की जानिब से मुलाजमीन के बैंक खातों में 1,70,00,000 रुपए 6 माह की बकाया तनख्वाह जमा करवाई गई। हुकूमत कर्नाटक के तनख्वाह जमा करवाने के ऐलान पर चंद्रशेखर हिरेमठ की जानिब से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुब्रमण्यम की गुलपोशी की गई। मुलाजमीन ने धरने के कामयाब होने और बकाया तनख्वाह अपने बैंक खातों में जमा होने की खुशी में इस धरने की नुमाइंदगी करने वाले शर्म जीवी गढ़ा वेदिके के बानी सदर चंद्रशेखर हिरेमठ की गुलपोशी की। इस मौके पर हुकूमत कर्नाटक का शुक्रिया अदा करते हुए चंद्रशेखर हिरेमठ ने एटीवी से कहा, जो KUOWS में जो आउटसोर्स एम्प्लॉय बन के 15-20 साल से जो काम कर रहे था, ये लोगों को 6 महीने से तनख्वाह नहीं हुआ था। ये लोगों को लेके हमारा श्रमजीवी गढ़ वेदिके का अंडर से हम 3 दिन से इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक को बैठे था, लेकिन आज हमको खुशी हो रही, गवर्नमेंट ने उसको 1,70,00,000 रुपए रिलीज करके अब नया ये लोगों को 6 महीने का तनख्वाह करे। इसके लिए सबसे पहला मैं हमारा कर्नाटक सरकार का अर्बन डेवलपमेंट का जो सेक्रेटरी है अंजुम परवेज साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजुम परवेज साहब बहुत अच्छा आदमी है भाई, उन्होंने यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर बोल के जो काम करे उनको मालूम है यहाँ का हालत। साहब को मैं बोले था साहब टैक्स कलेक्शन से तनख्वाह नहीं दे सकते, आप वहाँ से क्या तो कोशिश करो बोले तो हमारा अंजुम परवेज साहब उन्होंने बहुत कोशिश करके रिलीज करने को हुआ। इससे ये छोड़ के और हमारा XMLC अल्लम प्रभु साहब उन्होंने भी रोशन बेग साहब को बात करके मिनिस्टर को कल समझाया, उनका भी बहुत हम धन्यवाद करता हूँ। और हमारा जो शशि लमोशी जी है, जो दूसरा हमारा बाबूराव चौहान था, दूसरा सब लीडर्स मेयर शरणु मोदी, उन्होंने भी आके बहुत कोशिश करे। सबसे ज़्यादा हमारा जो यहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है सुब्रमण्यम साहब बहुत अच्छा आदमी है, उन्होंने ये लोगों का तकलीफ समझाया। उन्होंने आके खाली 15 दिन हुआ, 15 दिन में उन्होंने समझा के ये लोगों का तकलीफ है, मैं इनको हल करने को कोशिश करते बोल के इन्होंने भी हमारे तरफ से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करे। काम पकड़े तो नहीं छोड़ते, आप सबको पता है 15, 16, 17 तीन दिन में 6 महीने का तनख्वाह 1,70,00,000 रुपए रिलीज करने में बहुत कामयाबी किए उन्होंने, बहुत एफर्ट्स लगाए उन्होंने, लगा के उन्होंने 3 दिन में ये सबका मजदूर लोगों का 6 महीने का रिलीज करा है 1,70,00,000 रुपए। वो क्या बोलते 6 महीने से बहुत परेशान थे, उन्होंने बैच बड्डी से बाहर से ला रहे थे, खाने को पैसे नहीं थे, काम करने में भी इंटरेस्ट नहीं थे और इधर घर में रहने भी इंटरेस्ट नहीं थे, नौकरी से निकालते बोल के।